वेलकम टू माय व्यूब चैनल लेट जो एन फार्मेसी आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या एक टॉपिक है दैट इज क्यू एस ए आर तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्यू एस ए आर होते क्या है एंड पैरामीटर्स ऑफ क्यू एस ए आर एंड दिस क्वेश्चन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क फॉर फाइव मार्क्स इन एग्जाम मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट फाइव का है ठीक है तो देखिए वॉट इज क्यू एस ए आर अ क्यू यस ए आर इज़ अ मैथेमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अयोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूलर सिस्टम एंड इट्स ज्योमेट्रिक एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये एक मैथेमेटिकल रिलेशनशिप है क्यू मतलब क्वान्टिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको यस ए आर तो पता है जगह जगह आपने देखा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एस ए आर एस ए आर ऑफ बेंजोडाइजिपिन यस ए आर ऑफ़ दिस एस ए आर ऑफ़ आपका जो है ना एंटी डिप्रेशन से मतलब आपने एस में तो घूम फिर के आप हीरो हो गए एस में हाँ वही एस को हम यहाँ मॉडिफाई करके पढ़ते हैं क्यू एस ए आर क्यू एस ए आर इज नथिंग बट एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कंप्यूटर बेस्ड रिलेशनशिप है अब देखिए क्यू यस ए आर हम यस ए आर किस लिए पढ़ते हैं भाई वहाँ क्या किया जाता है स्ट्रक्चर को चेंज चेंज करके देखते हैं बेंजिन को ओ OH एच लगाएंगे ओ एच मेटापोजिशन पर एक बार लगाया जाएगा उसको ऑर्थो पर लगाएंगे या बेंजिन को एन लगाएंगे अलग अलग सब्सिट्यू से चेक किया जाएगा किस लिए टू नो द एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड ठीक इतना समझ में आ गया ना ये एस सी आर है क्यों मतलब क्वान्टिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिव रिलेशनशिप कंप्यूटर बेस्ड है पूरा है ठीक तो देखते हैं क्यू एस सी आर अटेम्प टू फाइंड कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मोलिकुलर प्रॉपर्टीज मतलब ये किस लिए इस्तेमाल होता है हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग पता करने के लिए अभी देखिए ग्लिमी प्राइड ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है तो इसकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए ओके okay. हम क्या डाल के मतलब इसके अंदर क्या सब्सिट्यूट करके एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं हाँ उसी मैटर उसी को हम क्यूएसटी कहते हैं इस ठीक So, that these rules can be used to evaluate the activity of the new compounds. for an example आपको project दे दिया government की तरफ से आपको project दे दिया आपको ये project prepare करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप पुराना drug लोगे उस पुराने drug पर आप क्या करोगे study करोगे हम कौन से substitute तो डालेंगे तो वो substitute अच्छा होगा activity अच्छा दिखाएगा तो मतलब new drug आपको find करना है उस old drug में आप modification करके देखेंगे ठीक ये वाला वो वाला मिक्स कर, मोडिफाई मौ, करके उसके बाद में उसको जो है ना आप क्या करेंगे मॉडिफिकेशन करके उसको न्यू ड्रग के अंदर फॉर्म देंगे समझ में आ रहा ना तो ये हो गया जी क्यू एस ए आर देखिए क्यू एस सी आर इन्वॉल्व द डिराइवेशन ऑफ द मैथमेटिकल फार्मूला विच रिलेट्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड टू देर मेजरेबल फिजिको केमिकल पैरामीटर्स दीज ऑफ द ड्रग्स एक्टिविटी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम क्यू एस आर के अंदर देखने वाले हैं वो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किस लिए इम्पॉर्टेंट है टू नो द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग तो एक्टिविटी देखिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज इक्वल टू फंक्शन मतलब पैरामीटर्स ड्रग बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाना है फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए एक पेशेंट हाइपर ब्लड प्रेशर से सफर है तो उसको हाइपर ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए हम क्या करेंगे एटेनोलॉल दिया जाएगा या किसी भी बीटा ब्लॉकर्स देंगे वो बीटा ब्लॉकर जो है ना मतलब उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी करने के लिए मतलब वो कैसे एक्ट कर रही है कैसे एंटी डिप एंटी ब्लड प्रेशर को एंटी ब्लड प्रेशर एक्ट कर रहा है कैसे वो ड्रग जो है ना ब्लड प्रेशर को कम कर रही है ठीक है वो हम यहाँ बात करेंगे बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स ठीक पैरामीटर्स होते क्या है मैं बात करूंगा बाद में आपको ये देखिए फिजिको केमिकल पैरामीटर्स दिख रहा है यस हाइड्रोफोबिसिटी एक इंपॉर्टेंट है इसको हम पढ़ेंगे हम देन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैमेट कॉन्स्टेंट ये तीनों इंपॉर्टेंट फिजिको केमिकल पैरामीटर्स है जो क्यू एस ए आर में वेरी एसेंशियल है वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता ठीक है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर इसके बगैर जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता ड्रग न्यू प्रिपेयर करना है तो इन पैरामीटर्स को देखना ज़रूरी है हाइड्रोफोबिसिटी मतलब क्या है अपोजिट टू द हाइड्रोफोबिसिटी अपोजिट किससे है लिपोफिलिसिटी मतलब ड्रग जो है ना वो लिपोफिलिक रहना है। ये हाइड्रोफोबिसिटी मतलब ये लिपोफिलिसिटी है ना हाइड्रोफोबी फोबी मतलब क्या है हेटिंग हाइड्रो मतलब वाटर वाटर हेटिंग को हम हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं या लिपोफिलिसिटी मतलब लिपिड को लव करने वाला तो देखेंगे हम फिजिको केमिकल पैरामीटर्स तो हाइड्रोफोबिसिटी सबसे पहला हाइड्रोफोबिसिटी कैरेक्टर ऑफ अ ड्रग इज क्रूशियल टू तो हाउ इजीली इट क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन एंड मे ऑल्सो इंपोर्टेंट इन रिसेप्टर इंट्रेक्शन देखिए अगर हम इसको रिसेप्टार मान के चले अगर ये रिसेप्टार या ये सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन मान के चलिए यहां यह एक ड्रग है जब वो ड्रग अगर ये रिसेप्टर को अगर क्रॉस करना है तो वो ड्रग कैसा होना चाहिए वो ड्रग लिपिड कंटेंट का रहना है क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो लिपिड कंटेंट से बने हुए रहते हैं अगर आपको इस लिप, लिपिड कंटेंट को या बैरियर को क्रॉस करना है तो ड्रग को कैसा बनाना होगा ड्रग को लिपिड सॉल्युबल बनाना होगा तभी जाके वो ड्रग उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा गाइस समझ में आ रहा है ना या हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ ड्रग इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय टेस्टिंग द ड्रग्स रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम क्या कहते हैं पार्टीशियन को एफिशियन कहते हैं मतलब हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द ड्रग इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय टेस्टिंग द ड्रग्स रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है के बॉडी के अंदर कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी को हम पार्टीशियन कोफिशियन कहते हैं ठीक अगर ड्रग हमारा लिपिड कंटेंट के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो लिपिड सॉल्यूबल होगा अगर वही ड्रग वाटर के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको वाटर डिफ्यूज मतलब वाटर के अंदर वो डिफ्यूज हो रहा है वाटर के अंदर वो सॉल्यूबल हो रहा है सिंपल समझ रहे हो ना तो देखिए पार्टीशियन को एफिशियन पी यूजली एक्सप्रेस एज अ लॉग पी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑक्टेनॉल

फॉर द लिपिड एंड एक्वेस्ट फेज इन दबजेंस ऑफ आयोनाइजेशन तो ऑक्टेनॉल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लिपिड फेज इन फार्मास इंडस्ट्रीज आप मैंने बताया था आपको लॉग पी फॉर अ मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सम ऑफ फ्रैगमेंटल लॉग पी कैलकुलेट करना है तो ये ये आपको दिख रहा है लॉग पी इज इक्वल टू सिग्मा फ्रैगमेंट प्लस सिग्मा को ये फॉर्मूला है नेक्स्ट ये आपको समझना जरूरी है वही लॉग पी इज इक्वल टू ड्रग इन ऑक्टेनॉल मतलब ड्रग इन लिपिड और ड्रग इन वाटर वेरी लॉग पी इसको जो है ना ये लॉग पी वाई एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है लॉग पी है और ये वाई एक्सिस पर लॉग वन बाई सी लॉग वन बाई सी क्या है हमारा ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ठीक बायोलॉजिकल एक्टिविटी नॉर्मली एक्सप्रेस एज़ वन बाय सी ये वन बाई सी आपको जिक्र दिख रहा है ना ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी है सी जो है ना ये सी हमारा ड्रग है ये ड्रग रिक्वायर टू अचीव डिफाइंड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी द मोर एक्टिव ड्रग्स रिक्वायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन देखिए अगर आपके ड्रग को ज्यादा एक्टिव रहना है तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर रहना चाहिए तो प्लॉट लॉग वन बाई सी वर्सेस लॉग पी ठीक टिपिकली वो स्मॉल रेंज ऑफ लॉग पी स्ट्रेट लाइन इज ऑप्टेन्ड मतलब लॉग पी देखिए स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन दिख रही है किस लिए स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ जो है ना स्मॉल रेंज ऑफ लॉग पी स्ट्रेट लाइन इज ऑफर लॉग पी छोटा है लॉग पी कैसा है छोटा मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अगर कम रहा सॉरी ड्रग मोर एक्टिव ड्रग अगर एक्टिव ड्रग जो जोरदार होना चाहिए तो आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करना है तो लॉग वन बाई सी इज इक्वल टू तो के वन लॉक पी प्लस के टू अगर ड्रग का अगर आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपको डालना पड़ेगा देखिए नेक्स्ट इफ अगर ग्राफ ऐसा रहा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ना अच्छा खासा है उसका तो अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का अगर ग्राफ ऐसे आ गया इसको हम क्या कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं क्या कहते हैं जी पैराबोलिक कर्व अगर पैराबोलिक कर्व आ गया तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है मतलब किसी भी प्रकार से वो ड्रग अच्छा नहीं ऐड कर रहा है देखिए इफ ड्रा इफ ग्राफ इज एक्सटेंडेड टू तो वेरी हाई लॉग पी अगर लॉग पी मतलब ऐसा आ गया लॉग पी पर देखिए ये है लॉग पी अगर ड्रग का ऐसा बिहेवियर लॉग पी के ऊपर ऐसा अगर बिहेवियर आ गया देखिए तो वो जो है ना पैराबोलिक कर मिल जाएगा देखिए जनरली द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओबेज द पैराबोलिक कर दैट इज द ड्रग शोज लो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स वेन लॉग पी इज लो द ड्रग शोज मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स वेन द लॉग पी इज ऑप्टिमम अगर लॉग पी ऑप्टिमम रहा तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा अगर लॉग पी ज़्यादा रहा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग इज डिक्लाइंड वेन लॉग पी इज वेरी हाई तो लॉग पी को ना ही ज़्यादा रहना है ना ही कम रहना है उसको ऑप्टिमम रहना है दिस प्रूव दैट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग फॉल्स ड्रग का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स गिर जाएगा कब वेन द पैराबोलिक कर्व इज सीन ठीक इतना मालूम चल गया आप पता चल गया वेरी गुड तो नेक्स्ट पैरामीटर देखिए इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर दिस द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्सिट्यूएंट विल क्लियरली हैव एन इफेक्ट ऑन ड्रग आयोनाइजेशन एंड पोलैरिटी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्सिट्यूएंट ड्रग के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है तो वो मेनली जो है ना इफ़ेक्ट करेगा ड्रग का आयोनाइजेशन एंड पोलैरिटी एक बात आपको याद रखना है अगर आपको अच्छा सा ड्रग चाहिए तो आपको ड्रग आपके ड्रग को आपको अन आयोनाइज बनाना है क्योंकि अन आयोनाइज ड्रग जो है ना वही ब्लड ब्रेन बैरियर को या लिपिड बैरियर को क्रॉस करते हैं ये आपको याद रखना हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ इजिली ड्रग कैन पास द सेल मेम्ब्रेन और हाउ स्ट्रांगली इट कैन इंट्रैक्ट विद द बाइंडिंग साइड इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर का मेन स्टडी किस लिए स्टडी करते हैं ब्लड सेल मेम्ब्रेन को कैसे वो ड्रग पार कर रहा है और कितना स्ट्रांगली वो इंट्रैक्ट कर रहा है बंडिंग साइट के साथ ये स्टडी करने के लिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलीक्यूल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ड्रग इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल ठीक है द ड्रग शुड क्रॉस वेरियस बैरियर्स टू रीच द साइट ऑफ एक्शन टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था ड्रग को अगर अच्छा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाना है तो उसको सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होना पड़ेगा बैरियर से क्रॉस होना पड़ेगा तभी वो अच्छा ऑब्जॉर्ब्शन दिखा सकेगा अगर अच्छा ऑब्जॉर्बशन दिखा सकेगा तो सॉलिबिलिटी अच्छी होगी उसका एक्शन अच्छा रहेगा जनरली अन मॉलिक्यूल्स आर ईजिली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन देन द आयोनाइज मॉलिक्यूल्स ठीक बताया था मैंने आपको द रीजन बिहाइंड द आयोनाइज एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स आर अपोज बाई द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट इन मेमब्रेन ठीक अनवाइंड एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर नो चार्ज सो दैट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेमब्रेन इज फेसिलेटेड इजिल विदाउट एनी इलेक्ट्रिक इंटरप्शन ठीक अगर मॉलिक्यूल अन आयोनाइज रहा तो ईजिली क्रॉस कर सकेगा बैरियर से समझ में आ रहा है इतना आपको याद रखना है बस तो हैबेट कॉन्स्टेंट ये आपको दिख रहा है यह है हेमेट कांस्टेंट इसको हम हेमेट कांस्टेंट कहते हैं हेमेट कांस्टेंट वैल्यूज आर द लोगारिदम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट ऑन तो द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ तो बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर सी वो ओ एच देखिए सब्सटीट्यूएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजीन के ऊपर अगर सी रहा हो तो बेंजोइक एसिड होगा हो जाएगा उसका भी अच्छा इफेक्ट है एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ अगर सी वो ओ हेच सब्सिट्यूएंट को अगर हटा के अगर आप एनओ टू लगाएंगे तो नाइट्रोबेंजिन हो जाएगा तो उसका उतना एक्शन नहीं रहेगा ऐसे ही सब्सिट्यूएंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो आपको ये दिख रहा है सिग्मा एक्स लॉग के एक्स बाई के सिग्मा एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग ये सब फार्मूला है ये आपको याद रखना है के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है देन के एक्स ए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर सब्सिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दिस इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ अ सब्सटीट्यूएंट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ड्रग मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स, मतलब अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन ड्रग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ड्रग के अंदर किसके ऊपर डिपेंड रहता है डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स डोनर्स मतलब देने वाला एक्सेप्टर्स मतलब लेने वाला ठीक एक्सेप्टार्स ड्रग को कौन एक्सेप्ट करता है रिसेप्टार्स एक्सेप्ट करते हैं ठीक तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप रिजल्ट इन एरोमेटिक रिंग हैविंग अ अट्रॉगर एंड स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन कार्बोक्सिलेट एंड आयन, ठीक द इक्विलीब्रियम शिफ्ट मोर टू आयोनाइज फॉर्म सच एन लार्जर के एक्स वैल्यू दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ठीक है फ सब्सटिट्यूएंट एक्स इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप रहा विदड्रॉ करने वाला रहा खींचने वाला रहा तो वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर वो देगा तो वहाँ क्या होगा वहाँ नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा ठीक है देखिए इक्विलिविर शिफ्ट टू लेफ्ट सो स्मॉलर के एक्स वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ठीक है नेगेटिव वैल्यू यहां देखिए यह है जी के पी अपॉन के नॉट और ये के एम मतलब के पी के नॉट ये आपको सब याद रखना है बस याद रखना है बस ये मतलब ये सब याद रखेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा के मतलब यहाँ सिग्मा पैरा पोजिशन पर या मेटा पोजिशन पर पोजिशन भी इंपॉर्टेंट है क्या है जी लास्ट डेट इज स्टिरिक सब्सिट्यू एंड कॉन्स्टेंट स्टिरिक पैरामीटर स्टिरिक मतलब बल्कनेस ये आपको याद रखना है इट इज अजर ऑफ द बल्कनेस ऑफ द ग्रुप इट रिप्रेजेंट एंड इट इफेक्ट्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट बिथन ड्रग एंड रिसेप्टर साइट, ठीक बल्कि सब्सटिट्यूएंट में हेल्प टू ओरिएट ड्रग प्रॉपर्टी फॉर मैक्सिमम बाइंडिंग एंड इंक्रीज एक्टिविटी अगर आपका प्रोडक्ट आपका ड्रग बल्कि रहा मतलब वहाँ अगर सब्सिटूंट ज़्यादा रहे बल्ग कंपाउंड रहा तो वो जो है ना रिसप्टार के साथ अच्छी तरीके से बाइंड हो सकेगा अगर रिसेप्टार और ड्रग अच्छे से बाइंड हो जाएंगे तो उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी सुपर रहेगा ठीक इतना आपको रखना है तो आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा पैरामीटर्स क्यू एस आर पैरामीटर्स जिसमें हमने देखा लिपोफिलिसिटी या हाइड्रोफोबिसिटी हमने देखा ठीक है देन हमने देखा गाइज सम पार्टीशन कोएफिशिएंट उसके अंदर देखा सिरिक सब्सिट्यून कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा ठीक है हेमेट्स कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ड्रग के एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट के ड्रग के एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन पैरामीटर्स के बगैर आप क्यू को स्टडी नहीं कर सकते इन्हें होना ज़रूरी है तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लेना अगर आपको किसी भी दूसरे वीडियो की रिक्वायरमेंट है सर मुझे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा थैंक यू हैव अ नाइस डे